कोरोना के केस देश में काफी कम हो गए हैं। ये केस मार्च 2020 के बाद सबसे कम स्तर पर हैं, लेकिन WHO ने एक चेतावनी दी है कि भविष्य में COVID-19 वायरस और भी खतरनाक रूप लेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस की और भी खतरनाक लहरों का सामना दुनिया को करना पड़ सकता है। इसके लिए दुनिया भर की सरकारों को सतर्क रहने और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस बारे में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रियोसिस ने जेनेवा में मीडिया से कहा कि हम महामारी को खत्म करने के लिए बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहे। WHO के अनुसार 5 से 11 सितंबर के सप्ताह के दौरान दुनिया भर में नए साप्ताहिक मामलों की संख्या पिछले सप्ताह की तुलना में 28% घटकर 3.1 मिलियन से अधिक रह गई है। नई साप्ताहिक मौतों की संख्या 22% घटकर मात्र 11,000 रह गई है। टेड्रोस ने महामारी की प्रतिक्रिया की तुलना मैराथन दौड़ से की है। उन्होंने कहा है कि कड़ी मेहनत करने और ये निश्चित करने का समय है कि हम कोरोना वायरस जैसी महामारी पर जीत हासिल करें और अपनी सारी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करें। WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम की तकनीकी प्रमुख मारिया वॉन केरखोव ने इस मौके पर कहा कि दुनिया भर में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जबकि वास्तव में WHO द्वारा जो मामले बताए जा रहे हैं उनकी संख्या कम है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वास्तव में हमारे द्वारा बताए जा रहे मामलों की तुलना में कहीं अधिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रायन ने कहा है कि भले ही महामारी कम हो रही हो, लेकिन लोगों को अभी भी हाई लेवल पर सावधानी बरतनी होगी। रायन ने कहा कि दुनिया एक अत्यधिक परिवर्तनशील विकसित होने वाले वायरस से लड़ रही है, जिसने हमें 2.5 साल में बार बार दिखाया है कि ये कैसे अनुकूलित हो सकता है और कैसे बदल सकता है।